देख रहे हो हरी हरी गड्डी। मैं सोच रही इसमें 1 लाख तो होनी चाहिए, अगर तुमने मुझे 1 लाख से कम दिए तो मैं तेरा गला घोट दूंगी। बेटा बेटा रहने दो, आ जाओ आपको कुछ होगा। नमस्ते, शश्रीयकाल, वड़कम, आदाब, शुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होंगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। और अब तो जाने के दिन भी पास आ रहे हैं, तो काफ़ी मैंने मज़े किए मायके में, या कहूँ भैया भाभी के वहाँ। और अभी सुबह सुबह जान के साथ वॉक में आई हूँ, तो मैं ससुराल में तो बहुत कम ही जाती थी वॉक में, बट मैं सोचती हूँ जहाँ टाइम मिल जाए अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वहाँ पे वो टाइम हमें ले लेना चाहिए। तो मैं यहीं इसीलिए आई थी कि मैं अपने साथ और अपने मायके वालों के साथ और जान को भी मैं टाइम दूँ, जो कि मैं भरपूर उनको आजकल दे रही हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ ब्रूनो आया, तो ब्रूनो से मेरा एक अजीब सा लगाव हो गया, मैं उसी के साथ रहने का मन करता है, और जान तो उसके इतने क्लोज़ हो गए ना। ब्रूनो क्या है, जान को बहुत अच्छा मान लगे, क्योंकि वो उसको सुबह शाम घुमाने ले जाते हैं, और जान तो वैसे ही उनको बूढ़े बच्चे सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखिए जान और ब्रूनो खड़े हैं, गोलची हो आप दोनों, तो यहाँ पे खेल रहे हैं सब फुटबॉल। तो अब ब्रूनो का भी इंटरेस्ट हो रहा है फुटबॉल में, तो ब्रूनो सोचा कब यहाँ बॉल है और मैं उसके पीछे भागूँ। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इतना बड़ा फील्ड है, तो बच्चों के लिए और डॉगीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है खेलने के लिए। और देखिए आपकी ज्योति भी वॉक कर रही है, यार बहुत बड़ी बात है मेरे खुद के लिए भी और आपके लिए भी। तो फ्रेंड्स ये देखिए यार, यहाँ के बच्चे इतने अच्छे हैं ना, मैंने कहा यार ये कमल कैसे तोड़ूंगी मैं, तो खुद ही चले गई है। बेटा बेटा रहने दो, आ जाओ आपको कुछ होगा। जान देखो यार यहाँ के बच्चे कितने अच्छे हैं। बेटा देखो आपको चोट लग जाएगी, आप मत जाओ, मैं ले लूंगी अगर मुझे चाहिए होगा तो। थैंक यू, वाओ यार जा रही हमारे लेके आ गई, वाओ। कीचड़ तो नहीं लगा आपके पाँव में? थैंक यू, यहाँ पर हमारे लाए। ये देखिए दोस्तों ऐसा होता है कमल पास से, बड़ा सुंदर दिख रहा है यार ये। मेरी लाइफ का ना ये सबसे पहला कमल है। ब्रूनो ब्रूनो ये देखो आपकी दोस्त बन गई, इनने हमको देखो क्या दिया है, लोटस कमल। तो ये कमल मुझे मिला सिर्फ इस बच्ची के कारण, थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरे प्यारे से दोस्तों जो ये लोटस है वो आज मैं अपनी दूंगी जान को, मुझे भी किसी प्यारी सी बच्ची ने दिया है, तो मैं अब दूंगी उन्हें। आई लव यू। फूलों में पौधों में होली तेरी मेरी बात। भैया और भाभी के लिए वैसे मैं कुछ लाई तो नहीं, बट मैं एक और चीज लेके आया आज, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ तो कीचड़ में गई मैं, कहीं ऐसी मिल जाता है क्या ये इजिली? फिर इससे पंखुड़ियां टूट गई इसकी। हाँ तो लोटस ही तो बोला शायद मैंने, पता है आपको वो है जो सच बोलो सच बात। इसकी मलाई बनती है पता है, पर ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसकी पंखुड़ियां एकदम टूट गई। लोटस का वो भी तो बनाते हैं ना चाय का, पता नहीं, पर थैंक यू भी बोल सकता तू मेरे को, भाई बोल सकते। तो फ्रेंड्स आपकी ज्योति आपको सीधे मिलने कितने बजे बताओ? 3 बजे। 3 बजे नहीं यार, अभी 4:30 हो गया है। कहाँ जी रहो आप, हाँ गेट खोलो जल्दी से गेट। तो पता है आपको 4:30, वो भी दिन दोपहर ही हो रही, इतनी गर्मी हो रही और इतनी धूप हो रही है साथ ही साथ। मुझे ना हल्द्वानी से ज़्यादा गर्मी तो इधर लगती है ये काशिमाबाद में। और ये मम्मी ना पता है क्यों मुझे कहाँ ले जा रही, कल मैं चूड़ी नहीं पहन पाई थी ना, तो मम्मी बोली अभी चल नहीं तो चूड़ी वाली दुकान जल्दी बंद हो जाती है। तो इसलिए मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझे चूड़ी पहनाने के लिए जा रही, क्योंकि कल दुकान बंद हो गई थी मेरी गलती की वजह से। तो मम्मी बोली अभी चल तू, यार ये मम्मी ना, पर कोई नहीं चलते हैं। और मम्मी ना इसलिए मुझे चूड़ी पहना रही क्योंकि कल हम जा रहे हैं, तो हमारी छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म, तो कल हम निकलेंगे यहाँ से और परसों पहुँचेंगे अपने मायके, मतलब मेरी मम्मी पापा के घर। मम्मी रुको,
मम्मी ये बताओ, कल आप जा रही हो अपनी नातनी को छोड़ के, जा रही हो ना, कैसा लगेगा आपको? बुरा तो बहुत लगेगा ना? बुरा तो बहुत लगेगा यार, क्या कर सकते हैं ना। इतनी लाई थी नहीं, हाँ छोटी सी लेके आए होगे ना। अब वो बोले कैसे करती है करे, अच्छा दोस्तों यही है यार, कहीं रह नहीं सकते आप परमानेंट, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, क्या करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी पहन रही है चूड़ी, तो मम्मी रेड कलर पहन रही हो ना मम्मी। हाँ। और कुछ चाहिए आपको? तभी तो देख रहे हो, आपका चूड़ी में ध्यान नहीं, किसी और ही चीज में ध्यान है यार आपका। इधर तो क्या देख रहे हो आप, तो मम्मी ने पसंद की है रेड कलर की चूड़ियाँ, जो ना इस कलर की हैं, ये है ये, तो मम्मी ने कुछ इस तरीके की चूड़ियाँ पसंद कर रखी है। देखिए इतनी चमक धमक मम्मी है ये। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं सब्जी वाली शॉप में, तो मैंने चूड़ी पहन ली है देखिए, और साथ ही साथ इश्की के लिए भी हमने चूड़ियाँ ली। तो अभी मम्मी ना सब्जी ले रही है, तो आलू और यह है प्याज, बट ना यहाँ पे आलू और प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। आलू हो रहा है 35 रुपये के जी और प्याज हो रहा है 60 रुपये के जी, महंगाई बहुत है यार कासिमाबाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी वेट कर रही है इन गर्मा गर्म समोसों का, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं समोसे वाली दुकान में। तो ये क्या चीज़ है भैया, एक बार इसका नाम अच्छे से बताना। हाँ लौंग लत्ता, तो दोस्तों इसे लौंग लत्ता कहते हैं। ये समोसे हैं और ये पकौड़ी और ये है बालूशाही और वो है गुलाब जामुन। बालूशाही यहाँ की फेमस मिठाई है क्या? फेमस, मैंने हर दुकान में बालूशाही देख रही हूँ इसलिए। तो दोस्तों ये है बालूशाही मिठाई। तो फ्रेंड्स हम घर पहुँच चुके हैं और घर पहुँचते ही ना ब्रूनो बोल रहा है मेरे लिए क्या लेके आई हो भगया यार, ये कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। ये मम्मी से पूछ रहा है यार, ये मेरे लिए क्या लेके आई हो, मेरे लिए क्या लेके आई हो, मम्मी क्या लाई हो आप इसके लिए, लाई तो कुछ नहीं होना। ये समझ आता है क्या चीज नहीं है आपने, वो क्या कर रहा था आपके साथ, वो आपके साथ आपकी चूड़ियों को सूंघ रहा है। ये नहीं है, ये देख पहले से सूंघ रहा था वो। मम्मी लेके आई है चूड़ी। रात हो गई है और अब मम्मी और मैं कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि कल हमें निकलना है, तो हम शायद 2 या 3 बजे तक निकल जाएंगे। तो मम्मी और मैं लगे हैं पैकिंग करने में, तो मम्मी अपनी पैकिंग कर रही, मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। सामान इस बैग से उस बैग में, उस बैग से इस बैग में डाले, मतलब एडजस्ट कर रहे हैं सामान। तो मम्मी कपड़े फोल्ड कर रही है और साथ ही साथ मैं भी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना भाभी भैया को गिफ्ट दे रही है, क्योंकि ना जवाई को कुछ ना कुछ दिया ही जाता है जब वो जाता है, मतलब मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, बट ये भाभी ये वाला है, वो बेबी है ना। ओ नहीं नहीं, बेबी वाला बेबी वाला तो बाद में होगा, बाद में क्या होता है। नहीं नहीं ये मतलब छी यार छोड़ो यार, मतलब ये है कि भाव हम लोग यहाँ आए तो इसीलिए भाभी बोली कि जवाई विष्णु के रूप में पूजा जाता है, तो विष्णु जी को तो कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, आए हैं तो विष्णु भगवान जी विष्णु आने जाते हैं। तो आपका दोस्तों आपको पता है मुझे क्या मिला है, अभी बताऊंगी, बड़ा अच्छा मिला है जो मिला है। इसकी को। तो आप सोच रहे हो कि रात को, मतलब हम तो अभी नहीं जा रहे, कल जा रहे हैं, तो ये अभी भाभी क्यों दे रही है सबको? उसका रीजन ये है कि कल हम ना, कल हम जब जाएंगे तो भैया शायद नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि भैया रहता है बैंक में, तो बैंक वालों को यार इतनी छोटी मोटी चीजों के लिए छुट्टी तो मिलेगी नहीं, तो इसीलिए सारे रीति रिवाज रात को फुलफिल किए जा रहे हैं, है ना। राइट, यू आर राइट। मैं तो बहुत अच्छी बहन हूँ की जो आ गई, मेरा भाई होता तो कहीं आता। टीका आ तो रही हूँ, चलो अपने ब्लॉग में।
अब भाभी ना इश्की को गिफ्ट दे रही है, इश्की को गिफ्ट देने का मतलब है कि उसे रुपए दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी भाभी ने ना उसको 3 फ्रॉक तो गिफ्ट में दे दी है और अब ये रुपए भी दिया जा रहे हैं। अब लास्ट आखिरकार बारी है, भूले तो नहीं हो तो आप लोग कि मैं भी हूँ, भूले तो नहीं हो आप लोग, भूले तो नहीं हो आप लोग कि आज ज्योति गड़िया भी है। मेरी बारी भी आनी चाहिए, बस मेरे पति और मेरी बच्ची को पूजो। गिव मी माय। तो दोस्तों मुझे मिल गया है, देख रहे हो हरी हरी गड्डी। मैं सोचू इसमें 1 लाख तो होनी चाहिए, अगर तुमने मुझे 1 लाख से कम दिए तो मैं तेरा गला घोट दूंगी। कितने है इसमें दोस्तों, आप ये देखिए, ये गड्डी गिन के बताना कमेंट में इसमें कितने रुपए हैं। गाइस मेरी कहते जो बहन है ना वो बहुत ही बुद्धू टाइप की है, उसको मतलब इवन कैलकुलेटर नहीं आ रहा 50 × 100 कितना होता है। बोली 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, वो पहले से कम है। मैं अपनी फीलिंग से आती हूँ, 1 लाख ही आए। देखो अब मैं बोलती हूँ, इसकी के पैसे ये इसकी मम्मी ने चोर लिए हैं, और उसके पैसे दे दो, इसकी के उसके पैसे दे दो, रो रही है। मैं आप जाना ऐसा करो, अब आपको जो रुपए दिए ना भाभी ने वो भी मेरे को जमा कर दो। अब हमारे पास इतने रुपए हो गए, चलो लाओ तुम्हारे उसमें डाल दूंगा यहाँ अकाउंट। ये है आपका, ये तो ये बेटा ये अच्छा नोट नहीं होता है, अबे मम्मी ये नोट सबसे अच्छा होता है, ये अच्छा होता है। यार इसकी तक क्या बोल ली, वो नोट अच्छा होता है, ये नोट अच्छे नहीं होते हैं। इसमें मजा आ रहा है ना, ये सुनो तो सही। तो फ्रेंड्स अब हम बैठ चुके हैं डिनर के लिए, तो आज है हमारा लास्ट डिनर यहाँ। तो आज लास्ट डिनर में बना है ये है चिली पनीर, साथ ही साथ है पत्ता गोभी की सब्जी, और ये है रोटी, और ये हैं वो प्राणी जो कल से नहीं दिखेंगे, भाभी और भैया। मम्मी भी नहीं दिखेगी यार, मम्मी भी नहीं दिखेगी कल से, और ब्रूनो भी नहीं दिखेगा, ब्रूनो भी नहीं दिखेगा कल से, कल से सिर्फ दिखेंगे मेरी जान, है ना। आज ही दिखा लो आप प्यार मेरे को। अब खाते हैं खाना।